हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि जो हमारा फोटोशॉप है, फोटोशॉप के अंदर फोटो को एडिट कैसे करते हैं और उसमें रिटचिंग कैसे करते हैं, जो कि आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और ये जो है फोटो स्मूथ है और ये इसमें फिनिशिंग है, तो ये कैसे हुआ है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास ये दो इमेज है और ये इमेज फिनिशिंग में है और ये फिनिशिंग मोड में नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमने फोटोशॉप के अंदर फिल्टर में जा करके यहाँ पे पोर्ट्रेचर इसमें डाला हुआ है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं हो पाती है, जबकि पोर्ट्रेचर जो है बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें, और ये फोटो को स्मूथ बनाने और रिटचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसी से किया जाता है। और ये फोटोशॉप में नहीं होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपके फोटोशॉप में पोर्ट्रेचर इंस्टॉल नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसकी जो की है वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके और की डाल करके जनरेट कर लीजिए और उसको यूज में ले सकते हैं। तो अभी जो है ये पोर्ट्रेचर को मैं दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड किया है। तो सिंपल है, हमारे ड्राइव में पोर्ट्रेचर की जो फाइल पड़ी हुई है वो ये है, इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर, और इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स खुल जाता है। इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स खुल जा रहा है, और ऊपर जो है रीडमी जो लिखा हुआ है उसमें आपको की मिल जाती है। डबल क्लिक करने पे यहाँ आपको सीरियल की मिल जाती है और इसको आपको डालना है ताकि ये सही से काम कर सके, तो ये जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ आप इसको डाल सकते हैं। सेटअप है, सिंपल है, सिंपल आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना है, ठीक है। और अभी हमारे में इंस्टॉल है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, और इसको आसान, बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना, तो आप कर लीजिए। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने वाले नहीं हैं, अभी हम कैसे यूज करते हैं ये बताने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे जो है हमने एक इमेज खोल लिया है, तो पहले देखिए ये जो इमेज है इसमें पीलापन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। कीबोर्ड में Ctrl+B करें और थोड़ा सा रेड बढ़ाएं इसका, और जो ब्लू है ब्लू थोड़ा सा बढ़ाएं जितना सेट कर पाएं। इस तरह से देखिए पिक्चर में इफेक्ट आ रहा है। मैजेंटा को भी बढ़ाएं, सियान कर दिया है, देखिए पीलापन इसका बिल्कुल हट चुका है। ओके कर दे, दोबारा से जाएं, Ctrl+V करें, फिर से मजे शैन की तरफ जाएं और हल्का सा कर दे इसको, और इस तरह से इसको ओके कर दे। अब कलर कुछ मैच हो रहा है, पहले कलर हमारा देखिए फोटो में, और इस फोटो में ये एक ही फोटो है, लेकिन फोटोशॉप के अंदर इसका कलर जो है चेंज हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इस तरह पहले तो आपको कलर चेंज करना है, वो अभी मैं इसको नीचे करता हूँ। ये ओरिजिनल फोटो है और ये जो है एडिटिंग फोटो है, तो अभी इसको मैंने कर दिया है चेंज। तो Ctrl+B एक बार और करते हैं, थोड़ा सा ब्लू इसका बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद में Ctrl+M करते हैं, थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा देते हैं इसकी। ओके, Ctrl+L करो और यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा बस इतना सा बढ़ा दो। अब बिल्कुल ये जो है सही हो गया है, इसका पीलापन हट गया है। ओके कर दो।
अब लास्ट में आता है पोर्ट्रेचर डालने के बाद, तो सिंपल है, फिल्टर में जाइए और इमेज नॉमिक में जाइए और पोर्ट्रेचर में जाइए, जो आप इंस्टॉल करोगे वो सबसे नीचे दिखाई देगा, तो ये फिल्टर कहलाता है। तो पोर्ट्रेचर पे जाके आपको ये विंडो खुल जाती है। ये विंडो खुलने के बाद आप इसको जूम कर सकते हैं। जूम करने के लिए आपको यहाँ नीचे मिल जाता है ऑप्शन, इसको आप ड्रैग करें और थोड़ा सा और कर दें। आप देखिए कितना इसमें फिनिशिंग नज़र आ रहा है, ऊपर की इमेज में और नीचे की इमेज में, अभी दो पार्ट में है। यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं और यहाँ सिंपल भी एक ही भी देख सकते हैं, दो भी देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से फिनिशिंग नज़र आ रही है। इसकी कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, आप उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। फाइन पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो देखिए थोड़ा फिनिशिंग आ गई है, और शॉर्पनेस इसमें नहीं बढ़ाना है क्योंकि ये इमेज जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी में है। शॉर्पनेस अगर बढ़ा देंगे तो ये जो है ब्लर हो जाएगी, और ब्राइटनेस तो हमने पहले से ही बढ़ा दिया है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सही हो गया है और इसको ओके कर दीजिए। तो ये जो है देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देने लगी है इमेज की क्वालिटी, थोड़ी सी डिम है, और ये इमेज जो है एचडी में है, फुल एचडी में, और इसकी क्वालिटी डिम है तो इसलिए इस तरह दिखाई देती है, लेकिन फिनिशिंग फिर भी बहुत अच्छी आई हुई है, आप देख सकते हैं। और ये है इसकी ओरिजिनल इमेज, और इसको जो है छोटा करके देख, अब देखिए कितना फर्क आया है इन दोनों में। ये ओरिजिनल इमेज है और ये है एडिटेड इमेज, कितना अच्छा फर्क आया है, और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप ब्लैक फ़ोटो को भी इस जो है, अगर आपके पास कोई ब्लैक फ़ोटो आती है, मतलब डार्क, थोड़ा चेहरा डार्क रहता है, तो उसको भी आप यहाँ से बहुत अच्छा बना सकते हैं इसी के माध्यम से। और उसके बाद में जो है आपको इसको सिंपल सेव कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एस से यहाँ पे, और कोई नाम दे दे फाइल का, कोई भी नाम दे दे, और इसको जेपीजी में आप करना चाहें जेपीजी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से जो है एडिट कर दिया है हमने प्रो टीचर की सहायता से, आप भी यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में। ये फाइल जो है आपको प्रोटेक्टेड होगी, और इसका जो पासवर्ड है आपको वीडियो में कहीं पे भी दिख सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और इसको इंस्टॉल करते समय सीरियल के ज़रूर डालें। वो कैसे डालना है आप या तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल की एक ही बार डालना है और एक ही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।